हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजराती दाल की रेसिपी। ये खट्टी मीठी दाल होती है जो चावल के साथ खाई जाती है और रोटी के साथ भी खाई जाती है। रोटी सब्जी और ये वाली दाल जो गुजराती दाल होती है वो खाई जाती है। और ये दाल बनाने के लिए हमें ये अरहर की दाल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको तुअर की दाल भी कहते हैं और नॉर्थ में अरहर की दाल कहते हैं। तो ये जो अरहर की दाल है ये मैंने 3/4 कप ली है और एक कटोरी में ये दाल डाल के मैंने 2 से 3 बार धो लिया है और हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा हुआ था। भिगोने के बाद इसको मैंने कुक कर लिया है और इसको एक छोटे वाले कुकर में डाल के मैंने कुक कर लिया था। एक ग्लास पानी लिया और ये जो भिगी हुई दाल थी वो ली और उसको छोटे वाले कुकर में डाल के कुक कर लिया। 3 सीटी बजाई थी और इसके बाद ये इस तरह से कुक हो गई तो मैंने ये एक बर्तन में ले लिया है। तो इस तरह से ये दाल बॉईल होके रेडी हो गई है। और अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें लगेगा, जब ये दाल जब मैंने बनाई थी उस वक्त थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। हल्दी नहीं डाली है बॉईल करते समय, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला था। तो ज़रूरत के मुताबिक हमें आगे थोड़ा सा आधा चम्मच और नमक की ज़रूरत पड़ेगी और रूटीन मसाले, इसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़, नींबू, हरी मिर्च एक ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, अदरक एक छोटा सा टुकड़ा जो बारीक काट लिया है और ये कड़ी पत्ता है नींबू। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। आधा ग्लास पानी मैंने ऐड किया है और इसको ये दाल जो है उसको मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये दाल अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए, ये दाल अच्छी तरह से ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका टेस्ट नहीं आता है ठीक से। और ये मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा ही नमक मैंने बॉईल करते समय डाला था इसलिए थोड़ा और नमक डालूँगी। अगर आपको बॉईल करते समय ही पूरा नमक डाल देना है तो आप 3/4 टीस्पून नमक डाल सकते हो। तो ये हम मिक्स कर लेंगे और इसमें ये गुड़ डाल देते हैं, कड़ी पत्ता थोड़ा सा और हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको गैस पर रख देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए, ये दाल अच्छी तरह से उबल गई है और इसको उबालना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद हम इसका अब साइड पे कर देंगे और तड़के के लिए तैयार कर देते हैं। तो मैंने इस तरह से 1 टेबलस्पून जितना तेल लिया है, इसको गर्म होने देंगे। ये एक बेसिक रेसिपी है जो चावल के साथ खाई जाती है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी कोई स्टूडेंट है या फिर कोई अकेला इंसान हो तो उसको दाल चावल बना के खाना हो तो इसी तरह से दाल बना के चावल आप बॉईल करके रख के अपना एक मील रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए, ये तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं अब डालूँगी ये मेथी 1/4 टीस्पून, राई 3/4 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून और हींग 1/2 टीस्पून। हींग थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि हींग की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है दाल में। और जब चावल के साथ आप दाल खाते हो या रोटी के साथ खाते हो तो हींग की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जब भी ये तड़का रेडी हो जाता है तो हम इस तरह से करेंगे कि ये जब डालेंगे अंदर दाल में तो इस तरह से ढक देंगे और ढक के इस तरह से रख देंगे
तो ये देखिए, ये जो ढक्कन रखने का कारण यही था कि उसका जो स्टीम जो है और जो तड़का है उसका स्मेल दाल में ही रहेगा। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको बिगिनर हो और ढक्कन रख के करने में दिक्कत होती हो तो मत रखिएगा, चलेगा, ऊपर से ही आप डाल दीजिएगा। तो इसी तरह से ये दाल भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो एक दो मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए मैं इसमें डालना चाहूँगी लाल मिर्च 3/4 टीस्पून और धनिया जीरा का पाउडर 1 टीस्पून और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप मूंगफली के दाने डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। और अगर खटाई में मैंने नींबू यूज़ किया है तो अगर नींबू की जगह आपको इमली यूज़ करना हो, आपको इमली सूटेबल हो खाने के लिए, तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी सी, 2.5 टीस्पून जितना इमली का पानी लगेगा इतनी दाल में, तो खटाई अच्छी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको उबलने देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, ये दाल अच्छी तरह से उबल गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहूँगी क्योंकि अगर हम ये दाल थोड़ी देर के लिए रख लेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही गाढ़ी दाल खाने में अच्छी नहीं लगती टेस्ट वाइज भी। तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती हूँ ताकि जब हम खाना परोसेंगे तब ये मीडियम कंसिस्टेंसी का रहेगा। ज़्यादा पानी दाल भी नहीं करनी है हमें। तो इस तरह से ये दाल रेडी हो गई है। तो अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी। तो मैंने आधा नींबू लिया है और ये जब कम्प्लीटली दाल उबल जाए उसी के बाद डालना है, गैस ऑफ कर देना है और उसी वक्त ये नींबू डालना होगा। अदरवाइज़ जो विटामिन सी होता है नींबू का वो उड़ जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये क्लेंजर का काम करता है हमारी बॉडी में। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया दाल रेडी है। तो अगर जो कोई बिगिनर है या अपने आप खाना बनाता है तो इसके लिए बहुत ही ईजी और होममेड दाल रेडी है जिससे आप अपना खाना खुद बना के घर पे खा सकते हो। तो इसको मैं अब सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। तो ये देखिए, ये गुजराती दाल रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा और हरा धनिया से गार्निश करूँगी। तो इसको चावल के साथ और रोटी के साथ खाया जाता है। आपको मेरी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी वो आप ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा। तो ट्राई ज़रूर करना और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।